पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा कांड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ बंद को सफल बताते हुए कहा कि राज्य सरकार को कांग्रेस के दबाव में कार्रवाई करनी पड़ी। इस घटना में गिरफ्तार सभी बंदियों का मेडिकल जांच होना चाहिए। इसके अलावा घटना की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एसडीएम अपने उच्च अफसरों की जांच कैसे करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि प्रशांत साहू का बेटा अनाथ हो गया। कचरू की 5 बेटियां हैं, कई बच्चे हैं जिनके माता पिता जेल में हैं। सरकार को उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार निर्दोष लोगों को छोड़ दे, गाँव में भय का माहौल है। लोहारी डी गांव में तीन तीन हत्या होने की घटना, दो आपसी रंजिश में और तीसरा पुलिस के मार से प्रशांत साहू की हत्या, ये तीन मामले हैं। पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है, पूरी मानवता है वो शर्मसार हो गई है, क्योंकि जेल में बंद जो कैदी हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। वो खून की उल्टियां कर रहे हैं, पिटाई इतनी कि वो बैठ पा रहे हैं न चल पा रहे हैं, और बेहद दर्दनाक स्थिति। चाहे जो दुर्ग जेल में महिला बंदी हैं उनकी बात कहें, चाहे कवर्धा जेल में जो पुरुष बंद है उसकी बात कहें, इस बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बंद का आह्वान किया था और बंद सफल रहा। जो संदेश देना था वो पहुंच गया जनता तक के लिए और सरकार तक के लिए, और इसी की परिणति रही कि एसपी कलेक्टर डीएसपी सब हटाए गए और रेंगा खार के पूरे स्टाफ को बदल दिया गया। सरकार की तरफ से पहले तो इसे आत्महत्या घटना बता रहे थे, लेकिन अब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि ये सरकार की नाकामी है और उसके चलते ये घटना घटी। जब आपने स्वीकार कर लिया और हत्या हुई है, बेरहमी से पिटाई हुई है, खून की उल्टियां कर रहे हैं, तो एसपी सहित सबके खिलाफ जो लोग वहां पदस्थ थे उनके खिलाफ 302 के FIR पंजीबद्ध होना चाहिए, हत्या के जुर्म दर्ज होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। आज ये सरकार पद में बने रहने लायक नहीं है। उनके केंद्रीय नेतृत्व से मैं कहना चाहूंगा, ये सरकार बदले, इससे कुछ नहीं सुधर रहा है। सामान्य कानून व्यवस्था भी नहीं सुधर रहा है, गृह मंत्री क्षेत्र में नहीं सुधर रहा है, वो समले नहीं समझ रहा है। बजट प्रदेश की बात तो छोड़ दें। देखिए, ये आंदोलन चलेगा, ये बंद हो गया इसी भर से बात नहीं चलेगी। जब तक कि इन लोगों को न्याय न मिल जाए, पीड़ितों को, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि ये हटा दिए उससे वो कोई पनिशमेंट तो है ही, उसके खिलाफ FIR होना चाहिए, वो PHQ में नहीं बल्कि जेल। देखिए, उसी क्षेत्र है, रात को 2 बजे गया था लोहारीडी। ये जब भी कुछ घटना घटती है गृह मंत्री जी रात में क्यों जाते हैं? बोलो दो बाजार भी रात को 1 बजे पहुंचा था, यहाँ भी रात को 2 बजे पहुंचा, जाके दिन में दिन को उजाले में लोगों से आंख मिला के बात करने में उसको तकलीफ क्या होती है? और आप जाके मिल सकते हो, हम लोग विधायक क्यों नहीं मिल सकते भाई? किस आधार पे मिलने गए? वो केवल सरकार में मंत्री है और हम लोग नहीं है विधायक, वो भी विधायक हम लोग भी है, लेकिन सरकार उन कैदियों से मिलने की अनुमति कैसे दे रहे हैं? यदि व्यवस्था निरीक्षण करने जाना है तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन पर्टिकुलर उन लोगों और जिनको आरोपी बंदी बनाया गया है, तो गृह मंत्री जी क्षेत्र है, वो डराने धमकाने गए, पूरा सबका मतलब इलाज क्यों नहीं कराते? वही मैं कह रहा हूँ। अब उसको तो देखिए, प्रशांत साहू की माँ ने क्या कहा, अभी तो पिटाई पड़ी है, इसको किसी को बोलना मत नहीं तो और मारेंगे। ये विजय शर्मा की पुलिस बोल रही है, धमकी दी है, ये धमकी देने गए होंगे जेल में कि आपने इसे मजिस्ट्रियल जांच की बात कही है, इसको जुडिशरी इंक्वायरी होना चाहिए, न्याय जांच होना चाहिए। एसडीएम क्या जांच करेगा अपने कलेक्टर के खिलाफ, अपने एसपी जो सीनियर अफसर है उसके खिलाफ क्या जांच करेगा? इसलिए इसकी न्याय जांच होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो मृतक परिवार है, जैसे प्रशांत साहू उसकी पत्नी पहले से खत्म हो गई है, अब वो भी खत्म हो गया, 8 साल तो एक लड़का है, अब उसका कोई नहीं, तो उसकी व्यवस्था। दूसरा कचरू साहू उर्फ प्रसाद साहू, उसके 5 बच्चे हैं, 5ों नाबालिग, बड़ी लड़की, 2 लड़कियां, वो 9th क्लास में है, बच्चा 6वीं में है, एक छोटा बच्चा गोद में है, और पत्नी जेल में, जो मृतक है उसकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया गया, तो 5ों बच्चे घर में हैं, उसकी कोई भी व्यवस्था नहीं। तो ये हमारी सरकार में तो 50-50 लाख के लोग मांग करते थे मुआवजा, तो इनके परिवार के लोगों को भी 50-50 लाख रुपया दिया जाए। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जीवन और मृत्यु के बारे में कोई पहले से पूर्वानुमान तो लगाया नहीं जा सकता, लेकिन बहुत लोग गंभीर हैं, ये सूचनाएं मिल रही, ये सूचनाएं तो मिली हमको कि गंगाराम है, जनक है, इनकी हालत बहुत खराब है, हम लोग जाकर मिले, कम से कम उसको
डॉक्टरी मतलब इलाज की सुविधा मिल जाए। हमारा पहला उद्देश्य तो यही था। कुछ लोग गंभीर हैं, किसी लोग हॉस्पिटल में, रायपुर के किसी हॉस्पिटल में, यह बताया जा रहा है चार पांच लोग है। लेकिन यहाँ भी हम लोग पता करवाए। मैं कुलदीप जुनेजा को फोन किया था, तुकाराम चंद्रवंशी भी आया हुआ था कि वो कहाँ एडमिट है। मतलब चिकित्सा विभाग मेघाहरा प्रशासन बताने तैयार नहीं वो कहाँ है। अभी तक कोई जाके मिल नहीं पाया है, इतनी गोपनीयता। फिर भी बात तो सामने आ गई ना। यदि प्रशांत साहू की मौत नहीं होती तो उसकी माँ और उसके भाई लोग आते नहीं, वो लोग आते नहीं बाहर, ये जानकारी होती नहीं किस बर्बरता से मारे हैं और मार के कारण से इलाज चल रहा है। अभी तक कि किसी मीडिया वाले ने उसे कवर किया गया, सात लोग एडमिट है, किसी ने इंटरव्यू लिया उसका। इसी रायपुर में है लेकिन आपको पता नहीं है, नाम को पता, हमारे आदमी थे लेकिन कोई बताने तैयार, रात भर थे, इतनी गोपनीयता। इसका मतलब ये है कि सारे षड्यंत्र में, सारे घटनाक्रम में सरकार संलिप्त है, छुपाना चाहती, लेकिन उजागर तो हो ही गया, अभी भी छुपाने की कोशिश है। मैं कहूंगा भाई जो सात लोग हैं कौन कौन है नाम बताए, हम लोग भी जाकर मिलेंगे उससे, आप लोग भी जाकर बात करें, कोई भी घटना होती जाकर मिलते कि नहीं मिलते, क्यों छुपा रही सरकार। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कितने किसको किस गिरफ्तार किए, कौन किस जेल में है, क्यों हॉस्पिटल में, ये तो जानकारी है। मुख्य रूप से बात यह है कि विष्णु देसाई जी से मैं मांग करना चाहता हूँ कि सबसे पहले, क्योंकि जो प्रशांत साहू की जो माँ ने जो बताया और उनके विभिन्न शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो मार पड़ी है, उसके भाई, उसके दोनों भाई के शरीर में जो चोटों के निशान हैं, और उन्होंने जो बताया कि हर जो लोहारी डी के जो लोग गिरफ्तार हुए उसकी स्थिति इसी प्रकार के, सभी के शरीर में चोट के निशान हैं, किसी का हाथ फ्रैक्चर है, कोई खून की उल्टी कर रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई उठ नहीं बैठ पा रहा है, कोई खा नहीं पा रहा है, ये स्थिति है। तो सबसे पहले मेरी डिमांड है विष्णु देव जी से कि आप इन जो लोहारी डी के जो बंदी हैं सभी को अस्पताल में भर्ती करा के जो पूरे शरीर की जांच कराएं। कारण ये है कि बहुत सारी चोटें जो बाहरी दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चोटें अंदरूनी हैं, क्योंकि बेतहाशा मतलब मारे हैं, कपड़े उतार के मारे हैं और डंडे से मारे हैं, पट्टे से मारे हैं, लात घूंसे से मारे हैं, तो अंदरूनी चोटें भी हो सकती है। इसलिए इन सब का पूरे बॉडी का चेकअप कराना चाहिए और प्रॉपर इलाज, ये पहली डिमांड है। कुछ लोग बयान दे रहे थे कि हमारा समर्थन नहीं है, वो बोल रहे थे हमारा समर्थन नहीं है, ये दिलवाया गया है, ये भी डर में दिया गया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जब आदिवासी के फर्जी इनकाउंटर हो रहे थे सरकार में, इस 9 महीने सरकार में, तब सब लोग चुप थे। जब सतनामियों को पीट पीट के जेल में ठूसा जा रहा था तब लोग चुप थे। जब यहाँ के महापुरुषों के नाम बदल दिए, योजना के नाम बदल दिए, तब भी लोग चुप थे। जब यहाँ उद्योगों के ऊपर जब उन्हें जुर्म उठाया, बिजली दर मनमानी वृद्धि कर दी, फैक्ट्रियां बंद कर दी, तब भी लोग चुप थे। आज साहू समाज के ऊपर 3-3 साहू समाज के लोग मरे, तब भी लोग चुप थे। केवट समाज के 4-4 लोगों को मार दिए, तब भी लोग चुप थे। जो लेकिन ये कहना चाहूंगा कि जो व्यापारी हों चाहे समाज के लोग हैं, सब अपने साथ, उनके सहयोग के बिना ये बंद सफल नहीं होगा। जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि ये 10वीं महीना हुआ है, हो सकता कल आपकी बारी हो, तब भी क्या सब लोग चुप ही रहेंगे, डराने धमकाने के राजनीति। डॉक्टर अमन सिंह बोल रहे हैं बड़ौदा बाजार मामले को लेकर कि वहाँ पे अदर समाज के हैं, फिर भी देवेंद्र यादव गए थे और अक्षाले के काम करे थे, कैमरा में क्या कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, रमन सिंह जी विधानसभा का अध्यक्ष हैं, वो भाजपा के नेता नहीं है, और यदि उस सीमा को तोड़ के यदि बोलेंगे तो हमको उसके खिलाफ बोलने के मजबूरी होगी। मैं नहीं चाहता कि रमन सिंह की किसी व्यक्ति पर कमेंट करूं मैं, तो विधानसभा का अध्यक्ष हैं, कम से कम उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दोबारा बोलेंगे तो जरूर उसके मुंह तोड़ जवाब देंगे। पुलिस प्रशासन ने मान लिया है कि विवेचना ठीक नहीं हुआ, गलत गिरफ्तारियां हुई है, स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैंने पहले उठाया था कि कचरू के पोस्टमार्टम करने के लिए मध्य प्रदेश गए थे जो 4 लोग, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब कचरू के वाइफ, उसके पति की हत्या हो गई है, अब उसको भी गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति ये यहाँ के रहने वाले, यहाँ काम करता है सुपेला में, भिलाई सुपेला में, वो 3 बजे वहाँ पहुंचा, महार जाति का है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिए जो थे ही नहीं और उनको सबको जेल में फूस दिया, तो ऐसे लोगों को कम से कम छोड़े। और कौन कौन कहाँ कहाँ है इसकी जान, क्योंकि अब बात ये आ रही है कि गांव इतना दहशत है कि कोई आदमी मिलने के लिए तैयार नहीं है, मिल जाए तो बात करने के लिए तैयार नहीं, घटना के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, इतनी दहशत। हम लोग गए पहले दिन तो केवल महिलाएं मिली थी, पुरुष तो थे ही नहीं, 1-2 बुजुर्ग लोग थे। दूसरे दिन गए तो यदि किसान साहू की उसकी माँ यदि चीख चीख के नहीं बोली होती तो पूरे प्रदेश और देश की जनता को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं होती, किस प्रकार बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई इसकी जानकारी नहीं होती। तो सबसे पहले कौन कौन कहाँ कहाँ
विरुद्ध हैं उसके लिस्ट जारी करे और कौन कौन मिसिंग है गांव में। गांव में कोई आदमी है ही नहीं, औरतें हैं तो कौन कौन मिसिंग है, मिसिंग है वो जीवित है कि नहीं है उसकी खोज होनी चाहिए।